दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में अपना खुद का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक नया अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ ओपन करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहां पे सर्विसेज मिल रही है अपस्टॉक्स की तरफ से, ब्रोकरेज भी काफी कम है, तो उसके तो खैर एक अलग से हम बात करेंगे। लेकिन यहां पे मैं अपना अकाउंट ओपन करने वाला हूं, जिसका एक एक स्टेप आप लाइव देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर साइड में। और ये जो अकाउंट मैं ओपन करने जा रहा हूँ अपने मोबाइल फोन से कर रहा हूँ, तो आप भी इजिली अपने मोबाइल फोन से अपना अपस्टॉक्स में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का डाउट था कि अपस्टॉक्स में अकाउंट कैसे ओपन करें, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग के पेज के ऊपर जाना है, जहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे। उसके लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे आप अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट ओपनिंग के पेज के ऊपर चले जाओगे। तो जैसे ही पेज पे जाओगे बिल्कुल एक ऐसा पेज आ जाएगा, जहां पे सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो थ्री डॉट्स दिखाई देंगे उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको दिखेगा ओपन डीमैट अकाउंट। अगर आप इसको कंप्यूटर से करो तो ओपन डीमैट अकाउंट का ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा आपने उसको क्लिक करना है। और जैसे कि अगर आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे ब्रोकरेज यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, अभी जैसे ऑफर्स चलते रहते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगती है तो वो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो जिस भी टाइम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले डालना होगा अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के डालने के बाद जैसे सबमिट करोगे आपके फोन पे आएगा ओटीपी। तो जैसे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपने सिंपल जो साइन अप का नीचे आपको बटन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना, जो कि बिल्कुल आपको सही डालना है। यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और एक चीज बता दूं, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पैन की डिटेल्स डाल लेते हैं, मैं अपनी पैन की डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सही आपको डालना, जो कि आपके पैन में और आधार में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो ईयर आपको मंथ एंड डेट, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे आगे की चीज़ आएगी, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सिंपली नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पूछी है कि आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसको आपने यहाँ पे डाल लेना है। आपकी एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पे शो करोगे कितनी है उसको। उसके बाद में यहाँ पे नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज्ड, इसमें आप सिंपली नो कर देना है। उसके बाद में आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है कि जो भी आपका यहाँ पे काम है, जो भी आपको यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ कि मैं प्रोफेशनल उसमें का डाल दिया मैंने, और इज योर कंट्री ऑफ टैक्स अदर देन इंडिया, तो यहाँ पे भी हम डालेंगे कि नो। और उसमें एक टैक्स पेयर की डिक्लेरेशन आएगी, यहाँ पे उसको आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आएगा कि आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, उसको भी टिक करना जरूरी है। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपके सामने आएगा, उस नेक्स्ट बटन को आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या किया, मैंने नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया अभी मेरे से पूछेगा कि मेरे को किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है। तो एज अ बिगिनर हो, अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे इक्विटी करो। अगर आप ऑप्शंस को भी ट्रेड करना चाहते हो तो आप फ्यूचर ऑप्शंस वाले बटन को भी टिक करो। तो यहाँ पे मैंने दोनों के टिक कर दिया। कमोडिटी में क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता तो इसको मेरे को यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर मेरे को लगेगा तो मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ बाद में, लेकिन फिलहाल के यहाँ मैंने इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शंस को रखा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो इक्विटी डिलीवरी चार्ज है, यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसको आपने सिंपली पढ़ना है, पढ़ लियो या फिर सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे आता है कि मैसेज है कंग्रेचुलेशन सुरेश कुमार, हियर इज योर चांस टू विन अ फ्री स्टॉक। तो इसको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। और लेकिन अभी इसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो इसको मैं अवॉइड कर दूंगा, लेकिन आप चाहते हो कि उसको कंडीशन को, उसको ऑफर को लेना तो आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स को सबमिट करेंगे। अकाउंट टाइप यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट ही हो तो आप सेविंग्स कर लो। अगर आपके पास करंट अकाउंट है, बिजनेस कोई अकाउंट हो, आप यहाँ पे करंट कर दो तो सेविंग करोगे। सबसे पहले अपने अकाउंट होल्डर में अपना नाम डालना है, फिर बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर दो बार डालना है, और सेविंग्स को
कर करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी डिटेल्स को फिल करके फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बैंक डिटेल्स को सबमिट करने के बाद यहाँ पे आता है इट्स टाइम टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, सिंपल सा आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर पे अपना साइन करना है, उसकी फोटो खींच लेनी है। उसकी फोटो खींच करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फोटो यहाँ पे सिंपली टैप ऑन अपलोड वाले पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे यहाँ से पिक कर लेगा, यहाँ पे सैंपल पे देख सको किस तरीके से, यहाँ पे सैंपल में ये दिखा देगा वो किस तरीके से आपको साइन करना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे साइन करके उसको मैं अपलोड करके फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने व्हाइट पेपर पे साइन किया, सिर्फ आप यहाँ ब्लू और ब्लैक इंक यूज कर सकते हो साइन करने के लिए। उसके बाद उसकी फोटो खींच के उसको क्रॉप कर लो साइन को, या फिर कैमरेज भी अपलोड कर सकते हो, जो कि टैप अपलोड वाला बटन था उसको यहाँ पे डालोगे। नीचे पूछेगा आपसे इनकम प्रूफ अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, या फिर इसको बाद में भी कर सकते हो। इनकम प्रूफ में आपका क्या चलेगा, आप बैंकिंग स्टेटमेंट दे सकते हो, अपनी आईटी कॉपी दे सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये डालना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट वाले बटन पे हमने फिर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आता है कि हमें हमारी पिक्चर खींचनी है इन्होंने, तो यहाँ पे पिक्चर भी लाइव कैमरा से मेरे को लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे नीचे शेयर लोकेशन करना उसकी बात करूँगा, यहाँ पे टेक पिक्चर पे हम मैं क्लिक करूँगा। और जैसे ही टेक पिक्चर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे टेक अ लाइव फोटो कैमरा का साइन है, उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करेंगे फिर हमें परमिशन मांगेगा, परमिशन को अलाउ करेंगे, परमिशन को अलाउ करते ही जो आपका फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। तो फोटो क्लिक हो गई और यहाँ पे एक्सेप्ट को मैंने क्लिक करा, एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। उसके बाद हम शेयर लोकेशन है, शेयर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे और जो हमारे मोबाइल फोन की लोकेशन होगी उसी हिसाब से उनको पता चल जाएगा इस फोन में जहाँ से रिकॉर्ड कर लोकेशन ऑन नहीं थी। तो यहाँ पे फोन में जो लोकेशन है उसको पहले ऑन करना पड़ेगा। लोकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक इसको प्रोसेस होने देते हैं। योर डिवाइस लोकेशन वॉज कैप्चर्ड, यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज यानी आ गया है। नेक्स्ट वाला बटन मैं फिर से क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही नेक्स्ट वाला बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि ये रेफरल अर्न का है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर रेफर करते हो तो वहाँ पे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी आपने स्टार्टिंग में डाली थी, एक बार आपसे पूछेगा कि आपका यही ईमेल आईडी है, अगर यही है तो इसको अपने कन्फर्म करने के लिए गेट ओटीपी करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे अब मेरे को ओटीपी डालना है जो कि मेरे ईमेल आईडी पे गया था। चलते हैं मेल को लॉगिन करके वहां से ओटीपी निकाल करके यहाँ पे डाल दो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल लिया, अब नेक्स्ट वाले बटन पे फिर से क्लिक करूंगा। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आगे का जो पेज आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए साइन अप फ्री, यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे चार्ज नहीं लगने वाला। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जितने भी मतलब यहाँ पे ब्रोकर से जब डिस्काउंट वहाँ पे आपको स्टार्टिंग कुछ कुछ फीस पे करना पड़ता है, साइन अप फॉर फ्री वाले पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपसे पूछे डू यू हैव योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद योर आधार कार्ड, क्या आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। अगर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के पास आधार से मोबाइल लिंक नहीं रहता। तो इसको मैं ये यस करूँगा कि मेरा भी लिंक है, इससे क्या होगा कि जो वेरिफिकेशन है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है कि यू आर फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम अनलॉकिंग दिस एक्साइटिंग फ्यूचर्स, यहाँ पे अगेन हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आता है ई साइन विद आधार ओटीपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो उसका प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ कोरियर वगैरह का झंझट आपको पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आधार लिंक है तो यहाँ पे सिंपल ई साइन विद आधार ओटीपी करूंगा। इससे क्या होगा कि जो आधार से मेरे लिंक नंबर है उस पर एक और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के डालूंगा तो यहाँ पे जो काम है मेरा बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडेशन का कुछ डाउनलोडिंग हुआ था उसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ई साइन नाउ करना है। हमने ई साइन को क्लिक करेंगे, इस प्रोसेस में अगर नेट स्लो का थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे साइन इन गेट में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वाले को सिलेक्ट करके सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट को क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग आ जाएगी, प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देंगे और ये NSDL की वेबसाइट पे ले जाएगा। अभी हम जरोधा की वेबसाइट से अलग आ चुके हैं, आधार की वेबसाइट की तरफ आ चुके हैं जहाँ से हमारे ई वेरिफिकेशन होने वाला है कि जो हमारा डाटा है बिल्कुल सही है। अब नीचे ये जो बॉक्स है इसमें मेरे को अपना आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालने को सेंड OTP करना होगा। जैसे सेंड OTP करूँगा मेरे फोन पे एक OTP आएगा, जैसे उस OTP को डालूंगा ये ई वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला और OTP को, और यहाँ पे आ गया है कि जो मेरा ई सेंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से मेरे को बोल रहा है कि मैं इसको जो मेरा ई साइन है उसको मैं आपसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ।
सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी और प्रोसीड वाला बटन भी यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे अभी प्लीज वेट क्या, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लिखा है कि विंडो को हमने ना तो रिफ्रेश करना ना ही बैक करना, जस्ट यहाँ पे हमको वेट करना होगा। मैंने एक दो सेकंड वेट किया, ये जो भी फॉर्म था हमने ई साइन किया वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो कि जहाँ पे आपके साइन हुए हैं आधार की मदद से वो सही है, उसमें कुछ डाउट है कुछ भी है तो अपने आप इसको प्रोसीड या पीछे कर सकते हो। तो फाइनली हमारा काम यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का जो खत्म होता है, और इस तरीके से जो आपको सामने मैसेज आ जाएगा, इन केस कहीं पे कोई स्टेप आपका रह जाता है तो उस केस में क्या करना है, इन केस कैसे होगा एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे दोबारा से मैं अपस्टॉक्स खोल लेता हूँ, मान लो मैंने आधा फॉर्म भरा था मेरा बीच में बंद हो गया, उस केस में क्या करूंगा, दोबारा ओपन डीमैट अकाउंट वाला पे जब मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जब मैं अपना मोबाइल और ईमेल आईडी और मोबाइल जब डालूंगा और ओटीपी करूंगा, ये बोलेगा कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, या फिर नीचे यहाँ पे हल्का सा देखो टू कंटिन्यू योर एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहां पे साइन इन पे करना है। साइन इन करने के बाद में यहाँ पे क्या है कि जो मोबाइल नंबर डालोगे उस पर कोड आएगा और ये जो कहाँ काम रहेगा वो कर देना है। तो हमने जो अभी देखा था कि लास्ट में हमने फॉर्म आ गया था ई साइन करने का, वहीं पे हमारा काम खत्म होता है, एप्लीकेशन सबमिटेड आ जाएगा, सिक्योरिटी इन प्रोग्रेस आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा अगर सारा केवाईसी वगैरह सही रहेगा, उसके बाद उनको मेल आ जाएगी और जो है हमारा क्रेडिट के लिए अकाउंट रेडी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए। जस्ट मैंने अभी अभी अपना अकाउंट ओपन करा है, जैसे ही एक्टिवेट होता है इसके ऊपर और भी काफी ट्यूटोरियल्स आएंगे जो अपस्टॉक्स में लोग हैं, क्योंकि अपस्टॉक्स में बहुत ही अच्छा ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज देता है, तो इसको भी ट्राई करना तो मस्ट था और आप लोगों के साथ शेयर करना भी जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और इस चैनल के ऊपर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो आज के दिन, उसका लिंक भी आपको नीचे की वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर मैं ट्रेडिंग रिलेटेड काफी सारी टिप्स और काफी सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।